कर्मों का फल। एक दिन एक राजा ने अपने तीन मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बागीचे में जाए और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा कर वापस आए। वो तीनों अलग अलग बाग में प्रविष्ट हो गए। पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे और मजेदार फल जमा किए जाए। उसने काफी मेहनत के बाद बढ़िया और ताजा फलों से थैली भर दी। दूसरे मंत्री ने राजा पर हर फल का परीक्षण तो करेंगे नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताजा कच्चे गले सड़े फल भी थैले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा राजा की नजर तो सिर्फ भरे हुए थैले की तरफ होगी, वो खोल कर देखेंगे भी नहीं कि इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी उसमें घास और पत्ते भर लिए और वक्त बचाया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत दरबार में बुलाया और उनके थैले खोल कर भी नहीं देखे और आदेश दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन फलों से भरे थैलों के अलावा। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए वो तो मजे से खाता रहा और 15 दिन गुजार भी लिए। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताजा कच्चे गले सड़े फल जमा किए थे वह कुछ दिनों तक तो खाता रहा, फिर उसे खराब फल खाने पड़े जिससे वह बीमार हो गया और बहुत तकलीफ में चला गया। और तीसरे मंत्री ने जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे वह कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हो। आप इस समय जीवन के बाग में हैं, जहां चाहे तो अच्छे कर्म जमा करें चाहे तो बुरे कर्म, मगर याद रखें जो आप जमा करेंगे वही आपको जन्मों जन्मों तक काम आएगा। जीवन का एक रहस्य रास्ते पर गति की सीमा है, बैंक में पैसों की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारी सोच या विचार शक्ति जिसे कहते हैं इसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचे, श्रेष्ठ करें एवं श्रेष्ठ बोले, तब श्रेष्ठ पाएंगे। धन्यवाद।